हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण गार और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साइड में मतलब पढ़ते पढ़ते या कैसे भी साइड वर्क करते हुए आप एक्स्ट्रा मनी कैसे कमा सकते हैं और आप इस एक्स्ट्रा मनी को अपना रेगुलर मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप और मेहनत करें तो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो गाइस, सबसे पहला तरीका आपका है ऑनलाइन सर्वेज, और ये काफ़ी अच्छा मेथड है मनी अर्न करने का। ये स्टूडेंट्स के बीच में तो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि वो अपने खाली टाइम में बैठ के इससे काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। और इन ऑनलाइन सर्वेज में होता कुछ नहीं, कुछ इम्पॉर्टेंट क्या यूजुअल सवाल होते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल, उनके आपको आंसर देने होते हैं जो कंपनीज आपसे पूछती हैं या रिसर्च वेबसाइट्स आपसे पूछती हैं एज अ सर्वे। असल में ये भी वेबसाइट्स, रिसर्च वेबसाइट्स या कोई भी कंपनी आपसे सर्वे में क्वेश्चंस इसलिए पूछती है क्योंकि इसका उन्हें बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देख के दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कार कंपनी है, उसे अपनी कार पर पेंट करवाना है, तो पेंट करवाने से पहले वो ये पता लगाएगी कि कौन सा कलर वर्ल्ड लेवल पर ज़्यादा पसंद किया जाएगा या जिस भी टारगेटेड एरिया के लिए वो कार बना रही है उस एरिया में वो ज़्यादा कलर कौन सा पसंद किया जाता है लोगों के बारे में। तो वो सर्वे करेगी, उसका रिसर्च वेबसाइट्स को दे देगी या खुद ही करेगी, तो सर्वे करेगी और आपसे पूछेगी कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, आपको अपनी कार पर कौन सा कलर होगा तो अच्छा लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगी। वो आपको अपना जनरल जो कलर अच्छा लगता है वो आपको लिख देना है, फिर वर्ल्ड लेवल पे उस कंपनी पर जब आंसर पहुंचेंगे कि हाँ ये कलर ज़्यादा लोगों को पसंद है, वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा का, तो उस तरीके का ही पेंट वो अपनी कार पे कर देंगे और वो फिर जब मार्केट में आएगी तो ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो कलर लोगों को पसंद था, उन्होंने सर्वे किया था। तो इस तरीके से बड़े लेवल पे कंपनीज को फ़ायदा पहुंचता है इन सर्वेस से, इसीलिए वो आपको पे भी करती हैं इन ऑनलाइन सर्वेस को फिल करने के लिए। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है अर्न करने का, आप अपने खाली टाइम में कुछ 10-5 मिनट निकाल के इन सर्वेस को फिल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका था हमारा पेड फॉर सर्चिंग वेब, इसमें आपको नेट चलाने का, वेब सर्च करने का पैसा मिलता है। असल में कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि स्क्वैग बक्स, क्यूमी, जूम बक्स, मोबाइल एक्सपर्जन और कैश प्रिंट्स और भी कई हैं, मैंने मेन आपको बताई, ये सब वेबसाइट्स आपको पे करेंगी नेट चलाने के लिए। और नेट पे आप कुछ भी सर्च करिए, जो भी आप नॉर्मली सर्च करते हैं उसी का आपको पैसा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सटर्नल ब्राउजर या कोई एडोन आपके पे डाल देंगे जिसके बाद अगर आप वेब सर्च करेंगे तो कुछ स्पॉन्सर्ड ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपके वेब पेज पे और या फिर आपके वेब पेज के साइड में ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। वो एड्स होते हैं बेसिकली, उन वो मतलब ज़बरदस्ती खोल देते हैं ये लोग, तो उसी का ये लोग पैसा देते हैं कि आप हमारे इससे सर्च करिए और हम स्पॉन्सर रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे और उसके थ्रू ये एड्स हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये भी एक मनी अर्निंग वे है, इससे भी आप नेट चलाने का नॉर्मल एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। एड्स को या स्पॉन्सर रिजल्ट्स को जो आपके मतलब के नहीं है उनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो इससे भी आप काफ़ी एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। तो चलिए थर्ड मेथड की ओर। तीसरा मेथड है हमारा स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, आप अपनी खुद की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। इससे आप एक्स्ट्रा मनी तो कमा ही सकते हैं कुछ एफर्ट्स लगा के, पर अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करें तो आप इसे प्रोफेशन भी बना सकते हैं और आप एक ऐसी वेबसाइट भी पॉपुलर करा सकते हैं जिससे आपको लाइफ टाइम काफ़ी अच्छी अर्निंग आएगी। तो इस पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होता है ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये बड़ा है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, इस मेथड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। तो गाइस, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने से भी आप काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। फोर्थ तरीका है हमारा रिव्यू वेबसाइट्स एंड ऐप फॉर कैश, इसमें भी आप काफ़ी अच्छा कैश कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। असल में एक वेबसाइट है usertesting.com, इस वेबसाइट पे आपको ऐसी वेबसाइट्स एंड ऐप्स मिल जाएंगी जो कि रिव्यूज़ के लिए ऑनलाइन हैं, मतलब ये नई वेबसाइट्स खुली हैं या नई एप्लीकेशंस हैं या फिर कोई भी किसी भी वजह से वो वेबसाइट या ऐप अपना रिव्यू करा रही है, मतलब एक बार यूज़र्स को दिखा रही है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है या फिर इसमें कोई एरर तो नहीं है या फिर इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, सजेशन जो भी आप से वो मांग रही है। तो इस मेथड के थ्रू आपको वेबसाइट्स और ऐप्स का रिव्यू करना है, 20-25 मिनट लगेंगी एक ऐप या वेबसाइट का रिव्यू करने में, पूरा वेबसाइट को देखना है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स सजेशंस हो तो आपको उन्हें बताना है फिल करके,
और आपको अगर कोई एरर मिलता है तो उसके बारे में बताना है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत थी, यहाँ मिस्टेक थी। तो इन सब चीज़ों के रिव्यू करने के लिए वेबसाइट और ऐप्स के आपको पैसे दिए जाते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट खर्च करने के बाद आपको इससे $5 से $10 तक अर्न कर सकते हैं आप एक वेबसाइट के रिव्यू से। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड था अर्न करने का। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की ओर। अगला मेथड है हमारा स्टार्ट राइटिंग ईबुक्स। आप अपनी ईबुक्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इस मेथड में आपको ईबुक लिखनी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक जो कि आप मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पढ़ पाए। असल में इस मेथड से आप मनी ऐसे अर्न कर पाएंगे, आपको अपने व्यूज या स्टोरी कोई भी फिक्शन या नॉन फिक्शन कोई भी कहानी आपने लिख दी या फिर कंसेप्ट अपने लिखे या नॉलेज कोई भी आपने बुक में दी, किसी से भी रिलेटेड आपने एक बुक अच्छी सी लिख दी जो लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो जैसे ही लिख देंगे आप उसे उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आइए और उसकी एक PDF बना लीजिए। और काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो ईबुक्स को पब्लिश कराती हैं। मैं अमेज़ॉन किंडल आपको रेफ़र करूँगा। इस पर आपको फ्री में अपनी ईबुक पब्लिश करने का मौका मिलेगा और जब आप पब्लिश करेंगे आपको उस वहाँ पर अपने रेट डिसाइड करने की भी फ्रीडम मिलेगी। आप कितना भी रेट डिसाइड कर सकते हैं अपनी बुक के लिए, और जब भी वो बुक बिका करेगी उसका 30% तो आप जो भी पब्लिशर होगा उस बुक का, मतलब ऑनलाइन जैसे कि यहाँ अमेज़ॉन किंडल है, उसके अकाउंट में चले जाएगा और 70% हमें मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड अर्न करने का। इससे आप ई बुक्स लिख सकते हैं, बस एक बार लिखी अच्छी सी बुक, अच्छा सा कंटेंट बुक में दिया, उसका रेट डिसाइड किया, पब्लिश की ऑनलाइन फ्री में वो भी, और वो जब भी बिकेगी उसका 70% आपको जो भी अमाउंट आपने तय किया उसका आधा रहेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, ई बुक्स के थ्रू आप काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया जिनके थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हैं। मैंने 5 मेथड्स बताए मनी अर्निंग के, और मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूं जिसमें और भी इनके अलावा 5 मेथड्स होंगे मनी अर्निंग के। अगर आपको इन 5 मनी अर्निंग वेज में से किसी में भी कन्फ्यूज़न है या किसी से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस मनी अर्निंग मेथड के लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा और उससे आप अच्छे से कंटेंट से मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आपको टॉपिक मनी अर्निंग का डिटेल में चाहिए, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। और आप हमारे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर तो ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताइए कि किस किस तरीके से आप मनी अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर अभी के अभी लाइक करके जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड बाय दोस्तों।